अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में बृहस्पति सिंह मामले में उठे विवाद के बीच अब एक नया मोड़ आ गया है। मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सदन छोड़कर चले गए। इसी बीच टीएस सिंहदेव ने कहा कि अब बहुत हुआ, वे भी एक इंसान है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि आपके कहने के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें बुलाया, चर्चा हुई। अब उनकी स्थिति ऐसी है कि जब तक शासन के स्तर पर कोई जवाब नहीं आता, वे इस सदन पर बैठने योग्य अपने आप को नहीं समझते हैं। ये कहते हुए सिंहदेव सदन छोड़कर चले गए। वहीं इस मामले में बीजेपी ने भी निशाना साधा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि यह सदन के मान सम्मान का प्रश्न है, इसका रास्ता ये है कि संयुक्त विधायक दल का गठन किया जाए, वो रिपोर्ट आ जाएगी तो सदन संतुष्ट हो जाएगा। वहीं पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने सवाल करते हुए कहा कि देश की किसी विधानसभा में ऐसी घटना हुई है क्या? अगर सदन का सम्मान नहीं, सदस्य का सम्मान नहीं है, तो सदन चलाने का कोई औचित्य ही नहीं है, जेपीसी बनाइए। इधर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने पूरे मामले को लेकर कहा कि मंत्री सिंहदेव से चर्चा के बाद मामला सुलझा लिया जाएगा। कि आप इसका निर्णय लें, आसंदी इसका निर्णय लें, और आसंदी के अनिर्णय की स्थिति के कारण आज ऐसी स्थिति हुई है कि टीएस सिंहदेव जो मंत्रिमंडल के सदस्य है, जो सामूहिक जिम्मेदारी है, और उन्होंने भावुक तरीके से बोलकर उनके हितों की रक्षा करना ये इस सदन का काम है। इसके बारे में बार बार मैं बोलता था, ढाई साल आते आते सरकार पूरी तरह से बिखर चुकी है। बिखरने की चरम स्थिति आज हाउस के अंदर देखने को मिला कि सरकार का मंत्री, जवाबदार मंत्री आज सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करता है और ये कहता है कि जब तक मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा, इस हाउस में, इस विधानसभा में मैं कदम नहीं रखूंगा। इसका मतलब है सरकार के अस्तित्व को नकार दिया गया। आज उसका जो स्वरूप आपके सामने दिखाई दिया है कि पूरे हिंदुस्तान में शायद ये पहली घटना होगी कि चलते हुए विधानसभा में सत्ता पक्ष जो कदावर मंत्री है वो सरकार के ऊपर स्पष्टीकरण, मेरी स्थिति स्पष्ट करे, इस बात को लेकर के यदि मंत्री उठ करके चला जाए और ये कहे कि जब तक सरकार मेरी स्थिति स्पष्ट न करे मैं इस कार्यवाही में भाग नहीं लूंगा, सदन के आसंदी में वे विराजमान है और उस बीच के उठ करके चले जाना बड़ी घटना है। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो सियासी उठापटक मची हुई है, उसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एमकेएन संवाददाता अखिलेश तिवारी। अखिलेश, क्या जानकारी है, बताइए। तो आज छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाती नजर आ रही है। लगातार इनके जो बयान है उससे कहीं ना कहीं जो सीधे जो स्वास्थ्य मंत्री है वो आहत हुए हैं और सदन में सीधा इस तरीके से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा FIR को पढ़ने के बाद उस तरीके से निर्णय लिया गया। उसके बाद फिर लगातार विपक्ष का हंगामा चालू हो गया। विपक्ष के हंगामे के बाद फिर सीए सीधे ने खड़े होकर के खुद ही जवाब दिया कि अगर इस तरीके से लगातार अपमान कर रहे तो मैं निश्चित तौर पर अगर दोषी हूँ तो इसकी जांच कराई जाए और अगर जांच कराने के बाद समक्ष रूप में अगर सब कुछ होता है इसके बाद फिर मैं इस पवित्र सदन में तभी बैठूंगा जब जांच पूर्ण हो जाए। तो वॉकआउट करके सीधा अपने बंगले चले आए थे। उसके बाद फिर अभी देखने को मिल रहा है कि लगातार लगभग 1.5 घंटे की बैठक हुई है विधानसभा सत्र के दौरान। विधानसभा में ही मुख्यमंत्री ने बैठक आहूत की है जिसमें आला कमान से भी बात करने की बात कही जा रही है और लगातार मनाने की भी कोशिश की जा रही है और कहीं ये भी मानना तय हो रहा है क्योंकि लगातार जो हमारे कृषि मंत्री हैं और प्रवक्ता रूप में उसको घोषित किए हैं उनका कहना है कि कहीं बृहस्पति सिंह के ऊपर एक शनि का प्रकोप न चढ़ जाए, इस तरीके से लगातार बयान आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पीएस चीजें जो जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है और लगातार विपक्ष का मरकम जो एक तरीके से बना हुआ है तो इसमें देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से जो आहत है वो काफी ज्यादा छत्तीसगढ़ में एक सियासत भूचाल लेकर के आ गई है। अखिलेश, क्या इस पूरे घटनाक्रम के क्या सियासी मायने निकाले जाएं, क्या अंतरकलह खुलकर सामने आ गई है कांग्रेस में, जो अंतरकलह है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में, क्या ये कहा जाए कि अंतरकलह बहुत ज्यादा है छत्तीसगढ़ में? अंतरकलह छत्तीसगढ़ में कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। लगातार विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें भी देखने को मिला एक दिखावे के रूप में सभी विधायक दल मंत्री परिषद की बैठक तो बुलाई गई थी लेकिन जैसे ही पीएल पुनिया ने बैठक आयोजित किया उसके बाद फिर सभी को समझाने का प्रयास भी किया गया था। उसके बाद भी FIR दर्ज हो जाना
कहीं ना कहीं संदेह इस पद है कि एक तरह से देखा जाए कि सीएससी को सीधा खेलने की तैयार है, और जो 2.5 साल का जो महकमा बन करके बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं अब दिखाई दे रहा है कि 2.5 साल की जो वक्त है वो गुजर जाने के बाद कहीं मुख्यमंत्री में बदलाव ना हो जाए, लगातार इस तरीके से विवादास्पद होते जा रहा, और लगातार गृहमंत्री के द्वारा इस तरीके से FIR को पढ़ करके सुनाया जाना, और कल ACN ने सवाल भी किया था गृहमंत्री से, आयोजन के कार्यक्रम में एक निजी कार्यक्रम था उसमें पूछा भी गया था कि क्या किस तरीके से मामला रहा और पुलिस कहां तक जांच करके पहुंची करके, तो निश्चित रूप से जो गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू है उनका बयान आया कि इस बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, तो ऐसी बड़ी घटना हो जाने के बाद इस तरीके से जानकारी गृहमंत्री को नहीं होना और इस तरीके से बातें निकल करके सामने आई, कहीं ना कहीं सियासत जो मूड है वो अलग दिखाई दे रही है दिव्या जी। अखिलेश, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सियासी उठापटक जो इस वक्त मची हुई है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में वो खुलकर के सामने आ गई है, अंतर्कलह जो इस वक्त कांग्रेस में मची हुई है।